ये बताना चाहूंगा, चूंकि मैं ब्रिटिश भी हूं, मैंने यार ये दो बच्चे बिल्कुल आगे आ रहे हैं। मैंने ये चीज देखी है कि वहां पर आप जन्नत में भी होंगे ना, अगर आप आजाद नहीं है ना, तो आप यकीन करें आपकी 100 साल की जिंदगी भी एक साल की आजादी की जिंदगी के आगे कुछ भी नहीं है। तो ये जो आजादी की जो वैल्यू है ना, अगर इसे जानना है तो चौधरी रहमत अली से जाने, स्टडी करें चौधरी रहमत अली को, स्टडी करें इकबाल को, स्टडी करें जनाब कायद आजम को, स्टडी करें। ये वो लोग थे जब मीडिया नहीं था, पेपर नहीं था, पैसे नहीं थे, तो ये रात को अपने हाथों से लिखते थे। चौधरी रहमत अली का एक नारा जिसने पूरी दुनिया की सोच चेंज कर दी, नाउ एंड नेवर का, वो नाउ एंड नेवर का नारा सारी सारी रात वो लिखते थे और लिख के लोगों के घरों के बाहर खुद चिपकाते थे, गलियों में, सड़कों में, कूचों में। जिसने गोरे को हला दिया था, ओले को, गोरे को मजबूर कर दिया था कि यहाँ पर ये जमहूरियत आएगी और यहाँ के वासी लाएंगे, यहाँ की मसीह बरादरी लाएगी, यहाँ पर मुसलमान लाएंगे, यहाँ हिंदू लाएंगे, यहाँ सिख लाएंगे। तो मैं कहता हूँ उन कुर्बानियों को याद रखें जो आपके बड़ों ने और मेरे बड़ों ने दी हैं। मैं इस धरती पे, इस धरती के जो जड़े हैं वो अल्लाह पे, अल्लाह के घर में जाके मिलती हैं, वो आपके नबी के घर में मिलती हैं, जो मेरे नबी हैं, जो मेरे नबी हैं वो आपके नबी हैं। हम सब इस परचम के नीचे एक हैं, आपके भी दो हाथ हैं, मेरे भी दो हाथ हैं। जब अल्लाह फर्क नहीं पाता तो हम क्यों हैं? ऐसा मिलो कि मुसलमान तुम पे रश करें, काश हम भी इनमें से हो। ऐसा किरदार बुलंद करो कि कौम की किस्मत चेंज कर दो। कौम मांग रही है आज वफाएं, बड़ी दुकानें तबाह हो रही हैं और बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हो रही हैं नई क़यादत के साथ, आया वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हैं। हमें कोई मायने नहीं है जमातों से, हमें पाकिस्तान से मायने है। पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान की शान अमाम को इज्जत की नजर से देखता हूँ, ऐसे में आपके लीडरान को इज्जत की नजर से देखता हूँ। अगर आपको धोखा दे सकता हूँ, मैं अल्लाह को नहीं दे सकता। हमारी जितनी यूथ है आपके साथ खड़ी है, विक्टर भाई आपका सरमाया है। ऐसे लोगों को, ऐसे भाइयों को परामोश न करना, ये एक आवाज दे 10 दफा उठना।